और आप देख सकते हैं कि एक घंटे तक जो है तमाम किसान नेताओं की मीटिंग होती है। इसके बाद जो है अब फैसला सुनाया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। हालांकि एक घंटे तक जो मीटिंग हुई है वो उसमें तमाम किसान नेता आपको नजर आ जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत हैं और ऐसे में फैसला जो है वो मंच पर ही सुनाया जाएगा कि क्या कुछ जो है आगे रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ जो है किसान अब आगे करने वाले हैं, क्या नेशनल हाईवे जाम रहने वाला है या नहीं। हालांकि जो है प्रशासन के साथ बातचीत का दौर जारी है, बातचीत चल रही है। उस वो बातचीत कैसी चल रही है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, वो भी पूरी जानने की कोशिश करेंगे। मीटिंग अभी अभी जो है वो खत्म हुई है, मीटिंग अभी अभी जो है वो खत्म हुई है। ऐसे में जो है आप देख सकते हैं कि तमाम किसान संगठन और किसान नेता जो है वो मंच पर पहुंचे हैं और अब जो है आगे का फैसला सुनाया जाएगा। जो भी यहाँ के प्रधान है और जो भी इस मीटिंग के अध्यक्ष थे वो इस फैसले को सुनाएंगे। क्या फैसला लिया गया, कमेटी की मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया गया? मीटिंग में कौन? हमारी स्थानीय कमेटी की प्रशासन के माध्यम से सरकार के साथ बात चल रही है और उन्होंने हमारे मीटिंग में आकर के एक संकेत दिया कि सही दिशाओं में चीजें जा रही है। तभी हमने फैसला लिया कि अगर सही दिशाओं में चीज जा रही है तो हम किसी भी फैसले की जल्दबाजी नहीं करते। और अभी भी क्योंकि अभी समय हो चुका था, स्थानीय कमेटी की बजाय आंदोलन एसकेएम प्लस स्थानीय कमेटी बन जाना था, मगर अभी तक इसका नेतृत्व स्थानीय कमेटी पर है। हमने दो घंटे और बढ़ाकर के 10 बजे तक स्थानीय कमेटी का नेतृत्व छोड़ दिया और सरकार के कहा कि आप इन्हीं के साथ समझौता कर लो, बेहतर है, वरना 10 बजे के बाद इसमें संयुक्त मोर्चा की एंट्री हो जाएगी और राष्ट्रीय मांगे इसमें जुड़ जाएंगी। हमारी प्रार्थना है खट्टर सरकार से, हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते, हमारी लड़ाई मोदी के साथ पेंडिंग है, वही लड़ाई लड़न दो, ज्यादा मोर्चा बनाओ जाओ, वरना पूरे देश का किसान, हरियाणा हमारा छोटा स्टेट है, सारा स्टेट में किसान ने किसान बन को कोर्ट के द्वारा जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिना शर्त मांग है मेरे भाई, 14-15 दिन की कहा, बिना शर्त बगैर केस हमारे बीच में हमारे सारे किसान आएंगे और कमेटी में बैठ करके हमारी चर्चा होगी, तब कोई आंदोलन के बारे में। नाम बोलने पर जिस प्रकार की धाराएं लगी उस पे क्या होंगे, जिस प्रकार की धाराएं लगी उस पे क्या होंगे? मैंने कहा बिना शर्त है, ये धाराएं हमारे ऊपर खेदड़ में गुरु नाम सिंह के ऊपर मेरे ऊपर 302 लागी थी भाई, 302 तो बड़ी तो नहीं है यार, और 302 की धारा के बावजूद भी वो कहाँ गया केस, क्योंकि झूठे सरकार ही झूठे केस लगाने वाले सारे केस, मतलब किसान नेता यहाँ आ जाएंगे छूट कर तब जाके जाम खोलेंगे। जाम हमने लगाया ही नहीं, हमारे को मजबूर किया गया बैठने के लिए, हमें कौन सा शौक है जाम लगाने का। हमारे साथी देखिए मैं बताऊं, जब शाहबाद के अंदर 6 तारीख को रोड के ऊपर आए किसान मजबूर किया गया, वो किसी की कुर्सी नहीं मांग रहे थे एमएसपी, और जिस दिन एमएसपी घोषित की जाती है सरकार के द्वारा उस दिन बड़े बड़े पोस्टर लगा करके सरकारें अपना प्रचार करती है, और जिस दिन देने की बात आती है उस दिन किसान को लाठी मारती है। अगर सरकार ने जबरदस्ती की रात को तो किस तरह का आगे का निर्णय रहेगा? क्योंकि मेरे भाई अभी तो उल्टी पुल्टी बात क्यों को आवाज, सकारात्मक बात चल रही है। एक बात बताऊं आपने, सरकार ने बिठाया, सरकार ने ठेस के कुकर ठाओगी सरकार में, अभी सरकार को 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटे में या तो फैसला दे सरकार, नहीं तो अगली रणनीति एसकेएम बनाएगा। साथियों, ज्यादा कोई वो नहीं, आप सभी बैठ जाए और सरकार को हम फिर सूचना देते हैं 2 घंटे की, या तो 2 घंटे में फैसला दे दे सरकार,
नहीं तो फिर कड़ा फैसला लिया जाएगा इस गेम द्वारा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सूचित कर दूं, हमारे स्थानीय कमेटी की और सरकार की बातचीत चल रही है और बातचीत में हमारे पास सोचना है अभी तक सकारात्मक रुख है, इसलिए वरना स्थानीय कमेटी का आंदोलन यहां तक था, आगे आंदोलन एसकेएम अपनी आंदोलन की रणनीति तय करने गया हुआ था, मगर हमारे पास सूचना पहुंचती है कि हमारी मीटिंग सकारात्मक चल रही है। तो मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया कैमरे के सामने आ रहे हैं कि 10 बजे तक अगर सरकार का हमारी स्थानीय कमेटी का फैसला हो जाता है तो हमारी मांगे वही दो रहेंगी जो स्थानीय मांग थी। एक, हमारे सभी किसान रिहा हो और सूरजमुखी की खरीद शुरू की जाए एमएसपी के ऊपर, और अगर 10 बजे तक कोई सरकार फैसला करने में सक्षम नहीं होती, हमारे साथियों को रिहा भी करती है एमएसपी के ऊपर खरीद की शुरुआत भी करती, तो 10 बजे के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व एसकेएम के हाथ में चला जाएगा, स्थानीय कमेटी के साथ मिलकर के निर्णय लेगा और उसमें पूरे देश की एमएसपी की बात होगी, फिर अकेली सूरजमुखी नहीं रहेगी, उसके अंदर फैसला ये है कि फिर ये खट्टर सरकार के भी बस की बात नहीं रहेगी, वो फिर अमित शाह और मोदी के दौर बिकेगा ही होगा, इसलिए खट्टर साहब तनखरी इज्जत संभालनी है तो जल्दी तय फैसला मान ले। आपकी लोकल प्रशासन से बातचीत चल रही है, सरकार का नुमाइंदा भी आपके साथ में, कोई बात नहीं, रुक भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, तोड़ ना करा कर, मैंने मेरा तेरा नाम तहलका है भाई। एक और फैसला लिए, सभी संगठनों के अध्यक्ष आड़े रहोगे भाई बीच में, जनता के बीच में, ये भी सभी खातों के अध्यक्ष जनता के बीच में रहेंगे, सभी खातों के अध्यक्ष जनता के बीच में रहेंगे, और अगर सरकार हमारी बात मान जाती है गुरनाम सिंह चडूनी और अन्य किसान नेता को रिहा कर देती है तो तुरंत प्रभाव से गुरनाम सिंह चडूनी और हम सब मिलके आंदोलन का फैसला करेंगे, अकेला आंदोलन का फैसला यहाँ बैठने वाले भी नहीं करेंगे, वो आगे आ जाएगा तब सब मिलके ही फैसला करेंगे। अब एक और प्रार्थना भाई, सारे भाई किसान सुनो, संख्या नहीं घटनी चाहिए भाई, अरे बूढ़े बूढ़े ही चाहे सीट लुआ जो खाम खाई चाहिए, और ये भी बात सुनो भाई, एक बात और है, सभी संगठनों का हमें पता चल चुका है, सभी खाप अध्यक्षों के नंबर आ गए, तुरंत प्रभाव से कोई भी अगर बात आएगी तुरंत प्रभाव से टेलीफोन में दोबारा हम तुरंत भी मीटिंग इमरजेंसी बुला करके निर्णय ले सकते, इसलिए मेरी प्रार्थना सारे संगठन के अध्यक्ष एडर हो और सारे किसान भी यही रहो, यही लंगर पानी की स्थानीय कमेटी से मेरी प्रार्थना है, लंगर पानी की इनकी सारी व्यवस्था कर। हाँ एक बात और भाई, मीटिंग में और भाई जाया ना करो, बिना नाम ले अपने अपने चलते है, कोई सिर्फ वे आदमी जावे जो से मीटिंग में इन्वाइट है, और जितने बजे एक बार मीटिंग के लाउंस हो है सारे भाई सब ने मेरा तो मीटिंग का मेंबर है, फिर चटक चटक अपना मीटिंग में आ जाया करो, हमारे गले केवल है मीटिंग वाले 5,000 न्यू कान कोड़ा लेनी है 25 वीक से कान कोड़ा माइक में आगे बतावा सबने, यह भी पक्की बात है कोई कुछ समझौता नहीं होगा, सार्वजनिक होगा, पंचायत में होगा। धन्यवाद साथियों, कोई धन्यवाद भाई।